सदियों नमस्कार। जैसे कि मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं ना, इसके अंदर पिलर के अंदर क्या भराई करता है और कॉलम का काम हो गया, उसके बाद एक्सकेवेशन करते हैं कॉलम टू कॉलम, उसके बाद ये वाला काम रहता है। तो कैसा बोल्डर लाना, कितना खर्चा होता है और एक पिट को कितना चाहिए, कितना डीप रहने की वजह से, मैं आपको बहुत अंदाजे तरीके से एकदम परफेक्ट में बताऊँगा। कितना ये जो देख रहे हैं ना बोल्डर, ये वाला चीज़ में कौन सा, इसमें फ़र्क कैसा जानना चाहिए और उसके लिए डस्ट कौन सा लाना, एंड कंकर क्या हम यूज़ करते हैं या नहीं, ये वाला रेत इसमें यूज़ करते हैं या नहीं, वो पूरा इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं। बस आप बने रहेगा। मैं सिविल इंजीनियर सुशांत आप सभी को वेलकम करता हूँ अपना चैनल लाइफ इज ऑसम सिविल में। और अगर आप नए हैं चैनल पर यार सब्सक्राइब कर दो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको कुछ खर्चा नहीं है, फुकट की जानकारी मिल रही है, बस आपकी डेटा ख़त्म हो रहा है, बस उतना ही। ज़रा वॉच कर लो, वीडियो को शेयर करो, हम रियल फील्ड नॉलेज देते हैं, ऐसा घर में बैठ बैठ को फालतू की नॉलेज नहीं देते, जो नहीं होने वाला चीज़ नहीं देते, होने वाला चीज़ का नॉलेज देते हैं। चलो अब हम बात करेंगे इसके बारे में। तो मैं फर्स्ट आपको इसका एक इमेज दिखाता हूँ, क्या है इसका, क्यों भरना चाहिए अपने के। लेट्स सी, जैसे कि साथ ही आप लोग देख रहे हैं ना, पीसीसी बेड, उसके बाद फुटिंग आता, फुटिंग डालने के बाद कॉलम रेज किए, कहाँ तक रेज किए, जहाँ तक आपका प्लिंथ बीम का नीचे का लेवल आ रहा वहाँ तक जो है ना पूरा रेज करे, यहाँ तक रेज करे पूरा फुल, ये जो है आपका प्लिंथ बीम के नीचे, ओके, प्लिंथ बीम के नीचे का लेवल हो गया, इसके ऊपर आता प्लिंथ बीम, ओके। प्लिंथ बीम कितना लेना, 1 फीट का आता, 1 फीट 9 इंच, 9x9 भी लेते हैं, 9x12 का भी ले सकते हैं, डिपेंड रहता है आपके ऊपर। सो ये आ गया आपका बेसमेंट लेवल, बेसमेंट के नीचे का लेवल आ गया। अब क्या करते हैं उसके बाद, ये जो गड्ढा, ये गड्ढा जो देख रहे हैं, देखो जैसे यहाँ पर फिलअप करें ना, वो मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर उधर फिलअप करें थे, ये जो यहाँ पर फुटिंग है, सॉइल गिरा, सॉइल जितना भी वो निकाल देना, पानी जितना भी वो भी निकल, डीवाटरिंग कर देना। उसके बाद नेक्स्ट आता है फुटिंग, फुटिंग मतलब एकदम प्योर सीसी, सीसी रहता, जैसा ये वाला देख रहे, देखो ये एकदम प्योर सीसी के जैसा रहता। अब क्या करते हैं इसके अंदर, ये जो बोल्डर्स रहते, देखो ये बोल्डर्स ना इसके अंदर भरा जाता है। ये बोल्डर्स कैसा लाना, कौन सा वाला चूज़ करना, इसमें भी वैरायटी वैरायटी है। एक कलर ऐसा वाला है, एक कलर ऐसा एकदम प्योर ब्लैक। सो फ़र्क मैं बताता हूँ दोनों में। ये ब्लैक कलर का इतना हार्ड है, आप तोड़े तो भी नहीं टूटता। ये वाला इतना सॉफ्ट है, आप तोड़े तो भी मोरम बन जाता, वैसा है। एग्जाम्पल तौर पर मैं बताऊँ आपको, एक फेंक के बताता हूँ आप लोगों को, ये देखिएगा कितना मोटा है, इसको मैं ऐसे फेंक देता हूँ, टूट गया, देखो ये वाला चीज़ बिखर गया ना। वैसे अगर आप ये वाला लिए, दूसरा वाला, ये ब्लैक वाला, ये टूटता नहीं है। तो जब भी आप लाएँ, ये ब्लैक कलर का डेंस वाला लाइजिएगा, ये जो है पदर पदर लेयर्स रहते हैं, ऐसा वाला नाजुक चीज़ ना लाजिएगा स्पेशली इसके लिए। और कैसा लाना, क्या हाथ से भरे सो लाना, क्या जेसीबी से भरे सो लाना, वो भी बताता हूँ। इसमें देखो दो टाइप का है, एक जो है ना ये येलो कलर का देख रहे हैं, ये एकदम नाजुक वाला चीज़ है, ओके, ये फेंके तो ये टूट रहा, ओके, एकदम फेंके तो ये टूट जा रहा है, ये देखिएगा। तो ये वाला है एकदम ब्लैक, ये कभी नहीं टूटता और इसका आवाज़ भी अलग रहता। बट आपको कौन सा साइज़ में लाना चाहिए, स्पेशली फुटिंग में अगर आप डाल रहे ना, तो मैक्सिमम ये साइज़ में ला लीजिएगा दोस्तों, मैक्सिमम इतना, देख रहे हैं ना उंगली, इतना साइज़ में ला लो। अगर आप जेसीबी से भरते, देखो ये बड़े बड़े पत्थर, देखो ये ऐसा है और ये पुतना ऐसा 1.5x1.5 ऐसा कुछ, तो अगर आप, तो ये अगर ये आप फुटिंग के अंदर फेंक दिए, समझो आपको फुटिंग डैमेज होता, तो नॉर्मल साइज़ का लाइएगा, इस टाइप छोटे छोटे में ला लो, राउंड ओवल शेप में, इस टाइप में है तो भी चल जाता, या फिर इस टाइप में ला लो। इस टाइप का आप कभी भी लाना ही नहीं, उनको बोलना हाथ से भरा हुआ लाना। अगर आप जेसीबी से भरे तो इसमें डस्ट आ जाता है, जैसा आप लोग देख रहे हैं, देखो इसके अंदर डस्ट, काफ़ी मात्रा में डस्ट है। डस्ट आया तो क्या, इसके ऊपर पानी दे देना आप लोग, कि पानी दिए तो ना, पानी देने से पूरा डस्ट चले जाता। एंड साइजेस वैसे कभी भी मत लेगा, मैं यहाँ पर आपको और 2-3 दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, ये अगर आप फुटिंग के ऊपर फेंक दिए, फुटिंग पूरा डैमेज हो जाता, देख रहे हैं इसका साइज़। एंड इसका प्राइस की बात करें तो ये आप लोगों को 1500 से लेकर 2000 रुपीज़ तक मिलता है। फ़िलहाल अगर इधर अर्जेंट था, बल्कि 1800 पर 100 फीट के हिसाब से लाए गए इधर,
एंड उसके बाद नेक्स्ट चाहिए आप लोगों को ये वाला डस्ट चाहिए, और इसके अंदर कौन सा सीमेंट यूज़ करना। आप चाहे तो नॉर्मल वाला यूज़ करते हैं, एकदम सस्ता वाला सीमेंट जैसे कि सागर सीमेंट है, ACC अल्ट्राटेक भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड है। तो अब एक दो तीन कौन लाना यार, जो आपके पास बचा हुआ है वो यूज़ कर लो यार, कुछ भी नहीं होता। एंड ये वाला डस्ट के डस्ट है ना, डस्ट भी मत लाइएगा, ये इसके अंदर खाली पाउडर है। ये पाउडर पानी में डाल दिए तो पूरा पिघल जाता है, ये बच जाता आपके ऐसा कंकर कंकर बच जाता। तो उसके अंदर ना थोड़ा सा रेत मिक्स कर लीजिएगा इसके अंदर। तो रेत कैसे रहता है, राउंड राउंड रहता, मतलब मट्टी नहीं रहता इसके अंदर। सो नेक्स्ट टाइम अगर कहीं पे भी लाए समझो, अंदर थोड़ा कंकर रहना, ये डस्ट नहीं रहना, डस्ट नहीं रहते, सिर्फ कंकर चूरा वाला लीजिएगा उसके अंदर, ये मिक्स कर लो। और अब बिठाने का तरीका मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। लेट्स से इस ये 1800 रुपीज़, ये जो है ना 100 फीट, ये भी 100 फीट, ये भी 1900 को ये मिला था ये वाला। एंड क्वांटिटी कितना लाना चाहिए, सो क्वांटिटी निकालने का बहुत सही और आसान तरीका है। एक टिप्पर में कितना बैठ, एक 400 फीट का रहता, 100 फीट का ट्रैक्टर रहता, 400 फीट का टिप्पर रहता, या फिर छोटा टिप्पर 100 फीट का भी रहता। अब आपको कितना लाना चाहिए, फर्स्ट आप लोग अपने घर में गिन लेना चाहिए कितना नंबर ऑफ गड्ढा है, बोल को ये कॉलम्स है। सो यहाँ पर देखिएगा 1, ये लाइन पर 4 है, ये लाइन पर 4 है, ये लाइन पर भी 4 है। इसमें अब मान लीजिएगा ये फुटिंग डालने के बाद आपके पास बच गए 2 फीट, फुटिंग के ऊपर यहाँ तक 2 फीट बच गए, ओके। ये 2 2, नीचे 2, कैलकुलेट करना, 2 बाई 2 बाई कितना 4 हो गए, 4 × 2 8, 8, ओके। 2 2 ज़ 4, 4 2 ज़ 8, मतलब 8 CFT, 8 क्यूबिक फीट तक माल भरता है यहाँ पर, यहाँ पे भी 8, इधर 8 फीट 8 फीट, यहाँ पे भी 8 फीट। सो ये 8 8 2, तो टोटल हो गया आपका 24 फीट का हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक 24 फीट तक माल भरता। सेम इसी तरह से मल्टीप्लाई बाय 4 कर लीजिएगा, कितना हो गया, मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो 30 फीट पकड़ लीजिए, 33 4 3 12, 120 फीट, मतलब एक ट्रैक्टर तक आपको यहाँ तक भराई हो जाता। बट क्या आपका गड्ढा सही में 2 फीट डीप है, इसीलिए ना 3 फीट भी हो सकते हैं, 4 फीट भी हो सकता है, ज़मीन स्लोप होता है तो उसकी वजह से लगभग आपको तीन पिलर को 4x4 के 3 पिलर को डीप एक 3 फीट पकड़ लो, 100 फीट होना, 3 पिलर को 100 फीट पकड़ के लाना। सो टोटल आपको 4 ट्रैक्टर होना चाहिए, वो भी मीडियम साइज़ वाला होना, ऐसा मोटा मोटा नहीं होना चाहिए। एक चीज़ याद रख लो भाई, मीडियम साइज़ का होना, ज़्यादा मोटा भी नहीं रहना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है याद रखने के लिए। ऐसे नॉर्मल वाला लीजिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग वो जो चूरा पाउडर रहता था उसके अंदर थोड़ा रेत डाल के ना मिक्सिंग करते, मिक्सिंग करके इसके अंदर डालते, ये फिलअप हो गया, अच्छी तरीके से फिलअप हो जाता है। एंड ये जो बीच में बचा हुआ रहता, देखो हमारा दीवार सीधा आना, स्ट्रेट आना और एक ही लेवल पर आना, उधर हाइट है, ये पूरा स्लोप है एरिया, तो इसको ना आप लोग स्टेप्ड फुटिंग कर लेना, स्टेप्ड ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइज़ कर लेना, ये पिलर टू पिलर एक साइज़ कर लेना मेंस, नहीं तो आपका माल बहुत भरना पड़ता है आपको, बहुत बहुत, अगर ये गड्ढा है यहाँ पर बहुत जा रहा है, ओके। इसलिए सपरेट सपरेट करना, नहीं तो आप स्टोन वर्क में सपरेट कर सकते हैं। सो लगभग देखिएगा 4, अगर आपके पास 12 पिलर है, 12 गड्ढे है, तो लगभग आप एक टिप्पर ला लीजिए 400 फीट का, या फिर 100 फीट के 4 ट्रैक्टर ला लीजिएगा, बस हो जाता। एंड मीडियम साइज़ का ला लो, ज़्यादा मोटा लाए, इसके ऊपर आप डंप करें समझो, फट जाता आपका, डैमेज होता फुटिंग। और डस्ट लाना, ये लाना, इसके लिए कंकर रेत भी होना। सो ये चीज़ कुछ इंपॉर्टेंट था, ऐसे मैं बताया हूँ, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छा लगूंगा। एंड ये जो स्लरी इसके अंदर है ना, फर्स्ट आप स्लरी डालना, स्लरी डाल के गाढ़ा माल डालना, ठीक है, स्लरी डालना फर्स्ट मेन। स्लरी बोले तो क्या है, अंदर जितना भी होल रहता है उसके अंदर पूरा फिलअप हो जाता है। और एक चीज़, ये JCB से खुदाई करवाया था, इसके लिए देखो इसका गड्ढा कितना है, फिलअप के आपको ज़्यादा हो रहा है, सब कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो JCB से खुदाई मत करो, नॉर्मल हाथों से खुदाई करते एग्जैक्ट करेक्ट आ जाता है, ठीक है साथियों। That's it. धन्यवाद। तो यही था आज का अपडेट।
कुछ भी नहीं यार, मेरे साथ जुड़े रहो, घर बांधना एकदम आसान मैं बना दूंगा। ओके, मेरे साथ रहो बस, आपको प्री प्लान सब कुछ बताऊंगा।